महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में रविवार को बैंक रोड स्थित एक हॉस्पिटल में लोकसभा चुनाव 2019 के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रणी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की कमियों को दूर करना, बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना, पार्टी के घोषणा पत्र की तैयारी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के होने वाली सभा की तैयारी को लेकर किया गया। बैठक में महानगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रणी ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 12-12 जिले के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक का बहुत संक्षिप्त बैठक था, भाषण कम था, काम ज्यादा था, जिम्मेदारियां ज्यादा थी और उसी के अंतर्गत आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में स्टार हॉस्पिटल के आज की बैठक के बिंदु यह है, संगठन से संबंधित जो भी कमियां हैं उसको गंगा में विचार विमर्श करना। आगामी फरवरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी के सभा भी यहाँ होंगे, आपस में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। साथ में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके घोषणा पर प्रभावित होता है, उसको भी एक हम लोग यहाँ पर लोग आप सभी लोगों से राय लेके उसको जो भी एक कॉमन घोषणा पत्र में इस बिंदुओं को शामिल किया जाए। वो अगियत सरकार बनती है जो कि बहुत ज्यादा संभावना है, इस तरह का कुछ माहौल, इस तरह का सारी चीजें परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा जो भी हो, तो उन सारे लोगों का भी थोड़ा सा उनको सुविधाएं प्रदान हो, जीवन स्तर ऊंचा होने का, इसी संदर्भ में आज की ये बैठक आहूत की गई है। आज का ये बैठक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट और सिटी यूनिट का बैठक के लिए एक निर्देशित किया गया था और उस बैठक में सांगठनिक जो भी एक चीज़ें हैं, कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए, बूथ लेवल पर तैयारी करने के लिए राहुल जी की जो प्रस्तावित आगामी फरवरी में सभा उत्तर प्रदेश के अंदर 12 या 15 उसके तैयारी के संदर्भ में, और चूंकि लोकसभा का चुनाव सन्निकट है तो हम लोग एक लोकल जो हमारी इकाई है कांग्रेसों की, तो हम लोग जो भी चुनाव घोषणा पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तैयार हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो चूंकि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हर चीज़ में, चाहे वो कृषि में, श्रम में या स्वतंत्रता संग्राम में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश के विकास में, देश की आज़ादी की लड़ाई में, तो यहाँ की जो भी मुख्य समस्याएं हैं जो मैक्सिमम लोगों को कवर करती है, वो सारे चीज़ें पर डिस्कस करके आखिरी भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज के उनसे अनुरोध करेंगे को यहाँ की उपयुक्त समस्याओं का, यहाँ के लोगों के जो भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की हो, क्राइम की हो, स्वास्थ्य की हो, वो सारे चीज़ों को बिंदुओं को देखते हुए उसको हम लोग बना के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजने का काम करेंगे ताकि वो लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में उसको समाहित किया जा सके।